फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अमृता के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चावल को रखा बॉईल करने के लिए। अभी हमारा चावल अच्छी तरह बॉईल हो चुका है, अब इसे हम कवर अप कर लेंगे। वेज पुलाव बनाने के यहाँ पे मैंने सामग्री लिया है। यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए जिसे लंबा काटा है, दो टमाटर लिया उसे स्क्वायर में काटा है। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, हरा मिर्ची, बड़ी सौंफ का पेस्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले, तेजपत्ता, लवंग, दालचीनी, इलायची और साथ में यहाँ पे मैंने सोयाबीन, आलू और मटर लिया। आपको जो सब्जी लेना आप सब्जी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला लिया है जो हमें लगने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पुलाव बनाने, वेज पुलाव। यहाँ पे हमारा राइस अच्छी तरह से बन चुका है, अब स्टार्ट करेंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालें, प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे हम। प्याज को अच्छी तरह से भून लीजिए, ज़्यादा नहीं भूनना हमें। प्याज हमारा भून चुका है, अभी इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल दिए, इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया लहसुन, अदरक, हरा मिर्ची वो डाल देंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम खड़े मसाले और जीरा ऐड, इसमें हमने खड़े मसाला डाला, अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, खड़ा मसाला ऐड करेंगे। अभी एक चम्मच जीरा इसमें ऐड करना है, स्किप भी कर सकते लेकिन जीरा हमेशा लास्ट में डालना है। तो अच्छी तरह से चला लेंगे, फिर इसमें हम सारे वेजिटेबल ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने सब सब्जी डाले, इसे अच्छी तरह से चला लेंगे 2 मिनट। यहाँ पे मैंने मसाला लिया है, यहाँ पे मैंने मालवनी मसाला, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर लिया है। ये मसाला इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मसाला ऐड कर देंगे पूरे यहाँ पे, फिर इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ये स्टीम से ही पकेगा। कवर करके रखा है, अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है, अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार। आपको जितना डालना है आप उतना डालिए, इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है, अब इसमें हम राइस को ऐड करेंगे। मसाले में हमने राइस को ऐड करा और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। आप स्किप भी कर सकते लेकिन बिरयानी मसाला स्वाद अच्छा आता है। हमारी बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे जो मैंने प्याज को फ्राई करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई कर चुका है, इसको अच्छी तरह से डाल देंगे। यहाँ पे हरा धनिया को जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है उसे अच्छी तरह से डाल देंगे। हमारी वेज बिरयानी बनके रेडी, हो चुकी है गर्मा गर्म, अब इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।